हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी अगरतला बेस्ड एट केन इंडिया ऑयल एंड गैस पीपीयू इन दैट कंपनी। इंटरव्यू कैसा था, व्हाट ऑल आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इंटर्नशिप, दे विल बी शॉर्टलिस्टिंग द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन योर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबने मेरे थंबनेल से लगभग कुछ ना कुछ गेस कर लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज के बारे में है, स्टिल लेट्स गो ऑन। पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, कई लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो में। सो माय नेम इज प्रत्युषा पटनायक, आई डिड माय बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आई पास्ड आउट इन द बैच ऑफ 2022 एंड करेंटली आई एम प्लेस्ड एट केन इंडिया ऑयल एंड गैस। सो ये जो वीडियो है उसी कंपनी से रिलेटेड है। सो आई एक्चुअली गॉट ए पीपीयू इन दैट कंपनी वेयर आई डिड इंटर्नशिप लास्ट ईयर व्हाइल आई वॉज इन थर्ड ईयर ऑफ माई डिग्री। सो मैं पहले, मतलब मुझे लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इन सब जगहों पे कई दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, मेरे दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड्स, मेरे जूनियर्स, इवन करेंटली जो अभी थर्ड एंड फोर्थ ईयर में हैं, उन सब के कई डाउट्स आए। उन लोगों ने काफ़ी बार मुझसे ये चीज़ पूछा था कि केन का इंटरव्यू कैसा था, व्हाट ऑल आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड कैसा ये पीपीओ कन्वर्जन में मुझे क्या क्या चीज़ें, फैक्टर्स हेल्प किए। तो इन सब चीज़ों के लिए एंड अपकमिंग जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह ये सब जानना है, तो उस रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड ईयर के अराउंड हमारे कॉलेज में केन आई थी फॉर टेकिंग इंटर्न्स, बेसिकली समर इंटर्न्स। तो उस चीज के लिए लाइक वी वर नॉट दैट प्रिपेयर्ड। मेरा तो तब मतलब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हम लोग घर पे थे एंड आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर गेट, क्योंकि थर्ड ईयर को उस टाइम पे रिलैक्सेशन मिल गई थी कि दे कैन ऑल्सो गिव द गेट एग्जाम। तो मैं उस चीज़ के लिए पढ़ाई शुरू कर दिया था और कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, बेसिकली मैं इस वीडियो में अपनी ब्रांच से रिलेटेड ही बोल रही हूँ। द सब्जेक्ट्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, बट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप ये रख सकते हो जैसे मैंने प्रिपेयर किया था। तो गेट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी यूट्यूब चैनल से ही। मैं एक दो एकेडमी फॉलो करती हूँ जो लोग क्लासेस लेते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही। तो आई वॉज स्टडिंग फॉर गेट एग्जाम, कोर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मास ट्रांसफर, ये सब केमिकल के मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं ये सब सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन चल रहा था एंड मैं पढ़ाई कर रही थी, और ये केन इंडिया का हम लोगों के कॉलेज में नोटिस आया कि वो लोग हायर करेंगे इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का ऐसा था कि इंटर्नशिप के लिए जब ये लोग चूज करते हैं ना, कोई ऐसा रिटर्न राउंड नहीं रखे थे ये लोग, डायरेक्टली दे विल बी शॉर्टलिस्टिंग द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन योर CGPA एंड ऑल्सो योर रिज्यूमे। वो तुम एक मतलब रोल प्ले करता है योर रिज्यूमे, जैसे कि आप सबने ये तो मतलब हर सीनियर आपको बताया होगा कि रिज्यूमे का इम्पोर्टेंस क्या है, सो आई वॉन्ट रिपीट दोज थिंग्स अगेन। तो यही था कि रिज्यूमे में मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस था कोर को रिलेटेड, तो वो सब एक तो सही था बिकॉज दैट विल बी, आई विल बी शेयरिंग दैट थिंग एज वेल, वो कैसे मेरे इंटरव्यू में हेल्प किया था। तो रिज्यूमे और CGPA के बेसिस पे उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया हमको, सो आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। फिर नेक्स्ट राउंड हमारा हुआ GD। तो GD के लिए ऐसा था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक है, ज़्यादा खुलते नहीं हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, शांत रहने टाइप्स, तो उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एफर्ट डालनी होगी बिकॉज प्लेसमेंट सीजन तो शुरू हो ही चुका है फॉर 2023 बैच। एंड एवरी ईयर जिन लोगों को भी प्लेसमेंट लेनी होती है ना, उन लोगों को थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी करनी होगी बिकॉज दैट इज द मेन मीडियम थ्रू विच योर नॉलेज यू कैन शो टू द पैनल मेंबर्स। तो मेरा ऐसा था कि आई ऑलवेज स्टेड एज एन एक्टिव स्टूडेंट इन माई कॉलेज, इन माई स्कूल,
सो कम्युनिकेशन की उतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, बट जीडी राउंड में द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दे सी और द जज इज हाउ यू टेक पार्ट, हाउ यू योर सेल्फ पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियंस, योर आइडियाज ऑन द टॉपिक गिवन टू यू, एंड तुम कैसे अपने लिए वहां पे ना फाइट करो, बिकॉज यू विल बी हैविंग ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एंड उन सब में से तुमको खुद से आके बोलना जो होता है कि खुद से अपना एक जगह बनाना, तो वो इम्पोर्टेंट है ग्रुप डिस्कशंस में. एंड ये चीज आप लोग प्रैक्टिस करो, जो लोग कम्युनिकेशन में बहुत वीक हो, जिनको जीडी के एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स और इन सब के साथ ये जीडी सेशंस वगैरह, मॉक जीडी सेशंस रख के सीखो. तो जीडी जब हम लोगों का हुआ था उसी टाइम पे, मतलब वी वर नॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द सेम कॉलेज, वो लोग दूसरे कॉलेजेस से भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे उस ग्रुप में, जो जिस ग्रुप में मैं थी, एंड दे देयर ओनली गेव अस अ टाइटल कि इस टॉपिक पे आज आप लोगों को बोलना है. तो 2 मिनट्स उन्होंने दिया था हमको प्रिपरेशन करने के लिए. प्रिपरेशन क्या मतलब, सोचने के लिए कि क्या कहना कहना है तुमको. तो आफ्टर 2 मिनट्स वो लोग इंडिविजुअली एक एक लोगों का नाम लेंगे एंड देन यू हैव टू स्टार्ट. सो जैसे मेरा टर्न आया तो आई स्पोक, एंड मेक श्योर कि आप अगर किसी टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक मिला होगा ना, तुम शुरू में लाइक व्हेन योर टर्न कम्स, तो आप अच्छे से थोड़ा उस टॉपिक के ऊपर लाइट थ्रो करना कि क्या है तुम्हारा ओपिनियन, क्या है तुमको, क्या लग रहा है ये टॉपिक सही है गलत है, जो भी है उसके बारे में थोड़ा बोलना. यू विल बी गिवन 2 मिनट्स. 2 मिनट के बाद लाइक आफ्टर एवरी वन इज फिनिश, वो लोग क्या करेंगे, एक ओपन राउंड मतलब ओपन कर देंगे प्लेटफॉर्म को कि सब लोग अपने मन से खुद से आके बोलेंगे, दे वोंट टेक योर नेम्स, तो खुद से आके बोलना है, एंड उसके लिए 2 मिनट्स मिला जाएगा, एंड यू ऑल पीपल हैव टू कम टू ए कंक्लूजन. सो उस चीज में ऐसा नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाओगे या फिर किसी के अगेंस्ट बोलोगे, ये मत करना, बट यू शुड नॉट वेट कि आपको कोई चांस देगा बोलने के लिए या कोई रुकेगा तो आप बोलोगे, ये मत करना. मेक श्योर कि आप एक्टिवली पार्ट लो, आप शुरू करो. लाइक देर आर वेरियस जीडी राउंड के प्रिपरेशन वीडियोज आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे, आपको उससे मतलब फायदा हो सकता है, जान जाओगे कि कैसा करना है. तो जीडी राउंड हुआ होगा आप लोगों का इंटरव्यू, तो जब इंटरव्यू राउंड के लिए था तो आई वॉज लाइक कि मैंने तो गेट के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब एक रात में क्या वैसे मतलब जीनियस बन जाओ या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लूं. सो आई जस्ट रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिकली मास ट्रांसफर हीट सम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं अपने केमिकल इंजीनियरिंग में. ऑल्सो वॉट आई डिड, जो इम्पॉर्टेंट है, लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं, वो ये कि जिस कंपनी में आप बैठ रहे हो इंटरव्यू में, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च. तो केन इंडिया का जो भी काम है उसमें केमिकल इंजीनियर्स का क्या रोल है, कैसे केमिकल इंजीनियरिंग वहां पे काम आती है, जो भी है, उन सब के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले लिया था एक दिन पहले. तो वो मेरा बस वो वही प्रिपरेशन था इंटरव्यू से पहले. एंड देन इंटरव्यू जब हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई ऑलवेज सजेस्ट, कीप ऑन सजेस्टिंग माई जूनियर्स कि अपना इंट्रो बहुत सही रखो, इंट्रोडक्शन, बिकॉज दैट्स द थिंग जो पहले एक इम्प्रेशन देगा पैनल मेंबर्स के ऊपर. ऑल्सो वो लास्ट थिंग होगा जहां से आपका क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे वो लोग. तो व्हाट आई नॉर्मली सजेस्ट कि आप लोग अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वैसा कुछ एक ऐड कर दो अपने इंट्रोडक्शन में एट लास्ट, जिससे कि वो उसी एरिया से पूछेंगे, मतलब मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो वहीं से शुरू करते हैं. सो आई नॉर्मली कीप माई लेटेस्ट उस कंपनी को रिलेटेड, जो कि कोर रिलेटेड इंटर्नशिप मैंने किया था, मैंने वो मेंशन किया था. ऑल्सो आई मेंशनड 2 सब्जेक्ट्स जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ एंड आई कैन आंसर वेल एंड आई कैन बिगिन माई इंटरव्यू विथ अ वेरी नाइस गिविंग आंसर्स वाला इम्प्रेशन जो है वो थोड़ा रहेगा करके. सो माई मैंने मतलब हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर्स वाला पार्ट बोला था एंड मास ट्रांसफर बोला था. देन पैनल में अराउंड 6 to 7 मतलब मेंबर्स होंगे. सो देर विल बी एच आर्स एंड लाइक देर टीम से कुछ कुछ मेंबर्स होंगे एंड कोर केमिकल से भी लोग थे. सो
मेरा ऐसा हुआ था, दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट हीट ट्रांसफर रिलेटेड टॉपिक्स. बेसिक था, ऐसा नहीं, बट मैं जिस तरीके से आंसर कर रही थी ना, उस आंसर से वो लोग दूसरा क्वेश्चन कनेक्ट करते थे. इट्स लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पंप और समथिंग कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, इन सब के बारे में अगर आप बोल रहे हो अपने आंसर्स में, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मोस्ट प्रोबेबली अबाउट टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनर फ्लो, बिकॉज सम हाउ रेनॉल्ड्स नंबर इज रिलेटेड टू दैट. तो अपनी जो वर्ड्स हैं जो तुम अपने आंसर्स में यूज कर रहे हो, वो थोड़ा वाइजली आपको चूज करना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद ही इंटरव्यूअर को एक चांस दोगे व्हाट ही शुड आस्क यू द नेक्स्ट. तो इंटरव्यू राउंड में मेरा वही था, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स, इवन मैकेनिकल ऑपरेशंस जिसमें हम लोग बहुत सारी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सब चीजें कवर कर लिए थे. एंड लकीली वही गेट प्रिपरेशन मेरा बहुत हेल्प किया इस चीज में टू क्लियर माई इंटरव्यू राउंड. गेट प्रिपरेशन वॉज द ओनली थिंग जिससे मेरा ये क्लियर हो पाया. एंड आफ्टरवर्ड्स आई गॉट सिलेक्टेड, सो दैट वॉज माई प्रिपरेशन थिंग फॉर द इंटरव्यू एंड क्लियरिंग द इंटर्नशिप वाला थिंग. उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मे, बट ड्यू टू आवर एग्जाम्स वी ज्वाइंड वन मंथ लेट. तो जून में जब मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ, यू विल बी असाइंड समवन हु विल बी योर गाइड. एंड उन्होंने, मतलब मेरा जो टॉपिक था उस पे आई वर्कड ऑन, एंड बहुत अच्छा, मतलब मेरा तो प्रोजेक्ट जो था उस पे ठीक ठाक ही था. खुद की तारीफ आई वोंट डू ऑन माय ओन, बट हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा था. एंड द इंटर्नशिप ड्यूरेशन इज फॉर 2 months. तो 2 महीने में आई डिड वॉट एवर वॉज माई वर्क दे असाइंड. और रेगुलरली अपडेट्स देना ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, रेगुलरली अपने गाइड के कॉन्टैक्ट में रहना, उनसे अपनी डाउट्स क्लियर करना. ऐसा नहीं कि कोई आके आपको स्पून फीड करेगा, दे विल बी कमिंग एंड आस्किंग यू कि आज क्या किया, कल क्या करोगे, कौन से टॉपिक में डाउट्स है एंड ऑल. आपको खुद से ही अपना जो भी है एक्सप्लोर करना है, खुद से डाउट्स जो भी आ रहे हैं खुद से जाके पूछना पड़ेगा. ये भी नहीं कि आप उनको डिस्टर्ब करो पूरे दिन में पूछ पूछ के, दैट्स नॉट द थिंग. लेकिन हाँ, रेगुलरली आप उनके सामने ये रखना होगा कि यू आर डूइंग समथिंग. एंड ऐसा भी नहीं कि यू नीड टू शो, इसलिए आप कुछ भी ऐसा कर लो कि मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ऐसा टाइप्स. आप लोगों को थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस करना पड़ेगा पूरी समर में. हाँ, ये 2 जो महीने समर वेकेशन में होते हैं, इट वोंट गो वेस्ट. आप लोग बहुत कुछ सीखोगे. एक्चुअली कंपनी में जब मैंने वो इंटरव्यू इंटर्नशिप मैंने वो जो किया था, आई गॉट टू लर्न इंडस्ट्रीज और इन सब में कैसा क्या काम होता है, व्हाट वी स्टडी इन बुक्स. एंड प्रैक्टिकली जब ये सब चीजों के बारे में वी आर थिंकिंग, गेटिंग सॉल्यूशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगी बहुत टफ है, बट हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट था हमारे बुक नॉलेज से. और यही खासियत है हम लोग जो रिज्यूमे में अपनी इंटर्नशिप्स ट्रेनिंग्स जो मेंशन करते हैं इंटरव्यूज में, इवन दे आस्क यू अबाउट योर, व्हाट डिड यू लर्न इन योर लास्ट इंटर्नशिप, व्हाट वाज द थिंग अबाउट दिस. एंड मेक श्योर व्हाट एवर यू आर मेंशनिंग इन योर इंट्रोडक्शन और इन योर रिज्यूमे, यू शुड बी ट्रू टू दैट. इट कैनॉट बी लाइक समथिंग यू आर राइटिंग लुकिंग एट समवन एल्स रिज्यूमे और ये सब चीजें. तो वो सब चीजें थोड़ी हेल्प की. मेरी जो प्रीवियस इंटर्नशिप्स मैंने किए थे, ट्रेनिंग्स किए थे कोर सेक्टर में, वहां के जो मशीनरी और वहां का जो वर्क फ्लो था, वो सब चीजें यहाँ पे मुझे सोल्यूशन लाने में और इस प्रोजेक्ट में काम करने में बहुत हेल्प किया. ऑल्सो आई विल लाइक टू मेंशन, मेरी एक सीनियर थी जिनका पीपीओ कन्वर्जन ही हुआ था, तो शी हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप वाला पीरियड. ऑल्दो शी वॉज नॉट हैविंग दैट मच नॉलेज अबाउट माई प्रोजेक्ट टाइटल, बट शी डिड हाउ मच शी कुड. और वो एक अच्छा था कि वेन यू हैव सम सीनियर्स इन द प्लेस वेयर यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग द कंपनी, दैट गिव्स एन एडिशनल बेनिफिट कि आपको थोड़ा बहुत छोटी मोटी जो डाउट्स होते हैं, सिली डाउट्स, सम पीपल आर वेरी शाय टू आस्क स्मॉल स्मॉल डाउट्स, तो सीनियर्स रियली हेल्प इन दैट थिंग. एंड लकीली आई हैड वन इन दैट कंपनी. तो इन सब चीजों के लास्ट में, एट द एंड ऑफ 2 months, वी हैड अ प्रेजेंटेशन राउंड विद द फाइनल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, विच विल डिसाइड वेदर यू शुड गेट अ पीपीओ और ए पीपीआई. पीपीआई मीन्स प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू और नथिंग,
जस्ट योर इंटर्नशिप इज डन एंड यू आर जस्ट गिवन ए सर्टिफिकेट. तो वो मायने रखता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा आप प्रेजेंट करते हो. एंड अगेन हियर कम्स योर कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स. तो पूरा चीज मैंने जो भी किया था इन 2 महीनों में आई प्रेजेंटेड एंड आफ्टर 2-3 months ऑफ दैट आई गॉट द रिजल्ट दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन केन इंडिया. एंड रही बात अभी जो मैं मतलब वी विल बी जॉइनिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एज GET देयर फुल टाइम एम्प्लॉय. तो उस चीज़ के लिए आई वुड से लाइक देर आर सम स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी गोइंग इन टू केन इंडिया थ्रू इंटर्नशिप्स. दे विल बी गोइंग थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन कैंपस. अगर केन आ रही है आपकी कॉलेज तो आप उससे सिलेक्ट होके एज ए GET ज्वाइन कर रहे हो. तो वही है बट एक एडिशनल राउंड होता है बिफोर योर GD एंड योर रेज्यूमे लाइक आफ्टर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग एंड बिफोर GD दैट्स द रिटर्न राउंड. तो उस चीज के लिए अगेन द सेम कोर सब्जेक्ट एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग वाला चीज रहेगा वो पूरे रिटर्न राउंड में. तो उसको क्लियर करना है. सो यू शुड नॉट लूज योर ट्रैक ऑफ बींग इन टच विद द कोर सब्जेक्ट्स. प्रैक्टिस करते रहना है पढ़ते रहना है. तो ये सब चीज़ें आप मत छोड़ना. कंटिन्यू रखना अंटिल यू गेट प्लेस्ड इन सम कोर कंपनी. और रिटर्न राउंड एक होगा एंड देन अगेन GD एंड देन द इंटरव्यू लाइक हाउ इट हैपेंड फॉर माई इंटर्नशिप वाला टाइम. तो वो सब चीज़ें सेम रहेगी. और इंटरव्यू का तो मैंने बताया कि मैंने कैसा प्रिपेयर किया था. मैं तो मतलब आई नॉर्मली सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग रखो कि आप इंटरव्यूअर को खुद से बोल पाओ इन योर इंट्रोडक्शन इटसेल्फ कि आप ये 2 सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हैं. एंड दे कैन एटलीस्ट बिगिन विथ आस्किंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फिर मैंने कुछ पॉइंट आउट भी किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे थे लाइक PPO में कैसे फोकस करना. तो एज आई सेड कि आपको अपना वर्क अपडेट देते रहना पड़ेगा पूरा अपना जो भी आप कर रहे हो जो भी डाउट्स आ रहे हैं वीकली बेसिस पे दैट कि आपने क्या किया. आपके गाइड को पता रहेगा कि आपने कुछ किया है आप कुछ कर रहे हो. एंड ये एक मतलब उसके मन में एक इम्प्रेशन डाल सकता है कि यू आर एन हार्ड वर्किंग पर्सन ऑल्सो यू लाइक टू एक्सप्लोर यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स. तो ये चीज़ थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि आप पूरा 2 महीने साइलेंट रहो एंड एकदम प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा प्रेजेंट कर लो बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर लो बट योर एंगेजमेंट वॉज नॉट दैट गुड कि गाइड के मन में आप कुछ एक इम्प्रेशन तक नहीं बना पाए. सो ये चीज़ थोड़ा सा इफेक्ट कर देता है. सो ये कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना. और ये भी नहीं कि आप शुरू से ही उनके कॉन्टैक्ट में नहीं रहे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. और रही बात सिलेक्शन के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है अभी एज इफ यू आर एज अ फ्रेशर और इन सेकेंड ईयर. तो मेरा बस यही रहेगा कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज होता है ना वो आपको बहुत हेल्प कर लेता है. पहला तो वो होता है ना रिटर्न राउंड वाला तो उसमें तो हेल्प हो ही जाती है. प्लस आपको कंपनी जाने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें हम एज ए केमिकल इंजीनियर या एज ए मैकेनिकल और एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा क्या रोल रहता है किस एरिया में हम लोगों को काम करना पड़ता है हम लोगों का रोल क्या रहेगा तो हम लोग क्या सोच सकते हैं मार्केट में या फिर अभी दूसरी कंपनीज या दूसरी जगहों पे अब क्या क्या चीज़ें आ गई है न्यू मेथड्स जो भी हमारा काम हो रहा है. जैसे पहले वी यूज टू हैव मैनुअली डन द वर्क ना आजकल मशीन्स आ रही हैं. तो ये जो अप टू डेट रहना वाला चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है और आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कंपनी में जब आप ज्वाइन करोगे. आपको उतनी दिक्कत नहीं रहेगी कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो. दैट विल बी ए नाइस थिंग. एंड येस दैट वॉज माई केन इंडिया वाला एक्सपीरियंस एंड माई प्रिपरेशन थिंग्स. इफ स्टिल एनीबडी इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट और क्वेरी तो आप कॉमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो या फिर मेल आईडी पे मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे. यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू मेल ईमेल एंड पोस्ट योर डाउट्स.
That's all. Thank you.